नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन चैनल पे। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, समय जिसका साथ देता है वो बड़ों से बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। दोस्तों, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखें और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। दोस्तों, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। दोस्तों, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। दोस्तों, भाग्य उनका साथ देता है जो संकट में भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दोस्तों, कदम कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। तलबे चाटने वालों से सचेत रहना चाहिए, वो ऐसा बार करते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये 8 कभी दूसरों का दुख नहीं समझते। नंबर 1 राजा, नंबर 2 वैश्या, नंबर 3 यमराज और नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 छोटा बच्चा, नंबर 6 चोर, नंबर 7 भिखारी और नंबर 8 कर वसूल करने वाला। दोस्तों, ये कभी भी किसी दूसरे का दुख परेशानी नहीं समझते हैं। दोस्तों, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका साथ करते हैं वो विजयी होते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर। दोस्तों, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, 4 रिश्तेदार एक दिशा में तब ही चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, इन 4 बातों पर बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके और आपके ऊर्जा स्रोत। दोस्तों, वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। दोस्तों, वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। जिन लोगों में लज्जा का गुण ना हो, जो किसी भी गलत कार्य को करने में संकोच ना करें और जो लज्जाहीन हो उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। दोस्तों, सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज नहीं होता है, अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। दोस्तों, प्रेम बराबर वालों में अच्छा लगता है। सेवा नौकरी राजाओं की, सरकारी उत्तम होती है। व्यवसायों में व्यापार सर्वोत्तम और उत्तम गुणों वाली स्त्री घर में सुशोभित होती है। दोस्तों, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, उनसे बचो जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका विनाश करने की योजना बनाते रहते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसके ऊपरी सतह पर दूध है और अंदर विष भरा हुआ है। दोस्तों, कोयल का रूप उनका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही
उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। दोस्तों जीवन के तीन मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। दोस्तों शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।